हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू परिश्रम स्कूल। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न मैथ्स स्टैंडर्ड 4th, चैप्टर नंबर 5, द वे द वर्ड लुक्स, पार्ट 2। पार्ट 1 हम प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पर हमें कुछ डिफरेंट व्यूज़ दिए गए हैं बाउल के। दिस आर टू डिफरेंट व्यूज़ ऑफ द सेम बाउल्स। सेम टाइप के बाउल रखे हुए हैं, फोटो नंबर 1 एंड फोटो नंबर 2। तो इनके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन दिया है, इन विच फोटो आर द बाउल्स अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन मतलब उल्टा कौन से फ़ोटो में है। तो आप देख सकते हो, ये फर्स्ट फ़ोटो में तो सीधे बाउल है, तो ये नहीं आ सकता। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये बाउल है जो अपसाइड डाउन दिखाई दे रहा है। तो आप आंसर क्या दोगे? फोटो नंबर 2। लुक एट द साइड व्यू इन द फोटो 3rd एंड फाइंड द आंसर। आप देख सकते हो ये क्या है फोटो में, साइड व्यू। कौन सा व्यू है बाउल का? साइड व्यू, बराबर। फिर ये वाला व्यू कौन सा है? ये ऊपर से हम देख रहे हैं ना, दोनों व्यू हम ऊपर से देख रहे हैं, तो ये दोनों टॉप व्यू। कौन सा व्यू है? टॉप व्यू। हम लोग जो भी ऊपर से देखते हैं, वो कोई भी थिंग्स है जो हम ऊपर से देखते हैं, उसे टॉप व्यू कहते हैं। साइड से जो दिखाई देती है उसे साइड व्यू कहते हैं। पीछे से कोई थिंग्स हमें दिखाई देती है तो हम उसे बैक व्यू कहते हैं, और सामने से जो दिखाई देती है वो फ्रंट व्यू होती है। चीज़ों को साइड से देखते हुए हमें साइड व्यू कहते हैं, ये हमें याद रखना है। ये व्यू वाला चैप्टर हम 3rd स्टैंडर्ड में ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं। ड्रॉ लाइन्स टू मेक द साइड व्यू विद द टॉप व्यू ऑफ। यहाँ पर हमें दो अलग अलग चीज़ दी गई है, एक पाइप दिया गया है और एक फनल दी गई है। तो उनका हमें मैच करना है साइड व्यू के साथ टॉप व्यू। एक व्यू है वो जो साइड व्यू दिया गया है, और एक व्यू है वो टॉप व्यू दिया गया है। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? ये वाला है वो क्या है? साइड व्यू। कौन सा व्यू है? ये वाला व्यू है वो टॉप व्यू। ये भी टॉप व्यू, ये साइड व्यू, बराबर। तो हमें इन दोनों में मैच करना है कौन सा व्यू है वो साइड व्यू है और कौन सा व्यू है वो टॉप व्यू है। तो आप किसके साथ मैच करोगे? पाइप है तो ये पाइप का ये है, बराबर, एंड फनल का ये। आप इस तरह उसको मैच कर सकते हो कि फनल है जो आप ऊपर से देखोगे तो कुछ इस प्रकार दिखेगी, ये पाइप है वो आप ऊपर से देखोगे तो कुछ इस प्रकार दिखेगा। ट्राई टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ शू फ्रॉम द साइड टॉप एंड फ्रंट व्यू। यहाँ पर जो हमें प्लेस दी गई है उसमें हमें सू मतलब हम जूते पहनते हैं ना पग में, उसे सू कहते हैं। उसका हमें फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू तीनों ड्रॉ करना है। तो हम कुछ इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। आप देख सकते हो, ये देखो, ये हो गया शूज़ का साइड व्यू। साइड से हम देखेंगे शूज़ तो हमें कुछ इस प्रकार दिखेगा, सामने से देखेंगे तो फ्रंट से हमें कुछ इस प्रकार दिखेगा, और ऊपर से हम देखेंगे तो हमें कुछ इस तरह दिखेगा। देर इज़ द डिफरेंट टाइप ऑफ व्यू ऑफ शूज। अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? नाउ द पार्क बिहाइंड गप्पूस हाउस। हम लोग यहाँ, पता है कि गप्पू के घर के पास पीछे एक पार्क था, बराबर। तो ये हमें दिखाई दिया है। डू यू रिमेंबर द पार्क बिहाइंड गप्पूस हाउस? क्या आपको याद है जो पार्क था गप्पू के घर के पीछे? हियर इज़ अ बिगर पिक्चर ऑफ दैट पार्क। यहाँ पर हमें बड़ा वाला पिक्चर दिया गया है इस पार्क का। लुक एट इट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। इसको हमें ध्यान से देखना है एंड देन उसके आंसर हमें देने हैं। यहाँ पर पार्क में आप ऑब्जर्व करो पिक्चर में, तो आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है चिल्ड्रन? क्या क्या दिखाई दे रहा है? गेट ए, बराबर, ओके, गेट ए,
गेट बी, गेट सी एंड गेट डी। चार गेट हम लोग इधर देख सकते हैं, ए बी सी एंड डी। मार्क द गेट नियरेस्ट टू द स्वीट शॉप। तो स्वीट शॉप कहाँ है? ये वाला है, वो गप्पू हाउस है, बराबर। ये वाला क्या है? गप्पू का हाउस। तो ये वाला होगा स्वीट शॉप, बराबर। ये सिर्फ स्वीट शॉप है, ये वाला है वो गप्पू का घर है। तो क्वेश्चन वन में हमें पूछा गया है मार्क द गेट नियरेस्ट टू द स्वीट शॉप। तो स्वीट शॉप के बाजू वाला गेट कौन सा है? बी है, तो वो तो बहुत दूर होगा। सी तो उससे भी दूर होगा, डी उससे भी दूर होगा, तो गेट नंबर ए। तो हम लोग क्या करेंगे, एट पर लगा देंगे सर्कल। विच गेट इज़ नियरेस्ट टू गप्पूस हाउस? तो आप देख सकते हो कि गप्पू का घर कहाँ है, कहाँ है गप्पू का घर? इधर। तो कौन सा वाला गेट है जो गप्पू के घर के नज़दीक है? गेट ए, गेट डी, गेट सी या गेट बी? तो गेट आंसर आएगा उसका गेट सी। गेट सी है, आप देख सकते हैं ना कि गप्पू के घर से गेट सी नज़दीक, मतलब नियरर है। क्वेश्चन नंबर थ्री, इफ़ यू एंटर फ्रॉम गेट बी द ग्रीन बेंच विल बी टू योर लेफ्ट, राइट और फ्रंट। आप गेट बी से एंटर करते हो तो ग्रीन बेंच जो आप पिक्चर में देख सकते हो किस तरह होगी? लेफ्ट साइड होगी, राइट साइड होगी या फ्रंट साइड होगी? यहाँ होगा गेट बी। तो आप इधर जाओगे तो कौन सी साइड आएगी चिल्ड्रन? लेफ्ट, लेफ्ट साइड आएगी ना। तो ग्रीन बेंच किस टाइप हो, किस साइड होगी? लेफ्ट साइड, आंसर विल बी लेफ्ट। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सर्कल, आंसर इज लेफ्ट। व्हेन सुहासिनी एंटर द पार्क द फ्लावर बेड वॉज टू हर राइट, विच गेट डी सी एंटर फ्रॉम? अभी फ्लावर बर्ड कहाँ है आप पिक्चर में देख सकते हो, तो ये है फ्लावर बर्ड। सुहानी है जो एंटर होती है पार्क में, तो फ्लावर बेड उसके राइट साइड होता है। तो सपोज आप सपोज करो कि सुहानी इधर से एंटर हुई ए से, तो ये वाला कौन सा हुआ? ए से हुई तो उसका लेफ्ट साइड आएगा, तो ये राइट नहीं होगा। फिर सुहासिनी सपोज बी गेट से एंटर करती है और इधर जाती है, तो ये भी उसका लेफ्ट होगा। तो अब सुहासिनी कौन से गेट से एंटर करती है? डी गेट से। कौन से गेट से? डी। और इधर जाएगी तो कौन सी साइड आएगी? राइट, बराबर। तो अगर सुहासिनी डी गेट से एंटर करती है तो उसकी राइट साइड में फ्लावर बेड आएगा। विच ऑफ देयर इज नियरेस्ट टू फ्रॉम टू यू इफ़ यू एंटर फ्रॉम गेट सी? अगर आप गेट नंबर सी से एंटर करते हो तो कौन सी थिंग ऐसी है जो सबसे नियरर, मतलब नज़दीक है, नियरेस्ट है? बास्केटबॉल कोर्ट, फ्लावर बेड, ग्रीन बेंच, सी सो। तो चलो देखते हैं, गेट नंबर सी से आप लोग एंटर करते हैं यहाँ से, तो सबसे नज़दीक ये वाला तो नहीं होगा, ये ग्रीन बेंच भी दूर होगी, बास्केटबॉल कोर्ट भी दूर होगा, फ्लावर बेड भी। सबसे नज़दीक क्या हुआ, ये आपको दिखाई दे रहा है ना कि यहाँ से एंटर करें हम तो सबसे नज़दीक ये होगा। क्या है ये? सी शो, सॉरी, ये वाला सबसे नज़दीक है। आप देख सकते हो ये सी सो दिखाई दे रहा है पिक्चर में, मैंने जूम करके दिखाया है। सी सो सबसे नज़दीक ये वाला होगा। नेक्स्ट, इस्माइल्स होम। ऑन द फोन इस्माइल टोल्ड श्रीजाता टू रूट टू हिज हाउस।
फ्रॉम हर हाउस द रूट मैप इज सोन हियर। यहाँ पर एक मैप दिखाई दे रहा है हमें पिक्चर में। इस्माइल ने सुजाता को अपने घर से उसके घर तक पहुँचने का मैप उसे दिखाया है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें दिस इज़ वॉट इस्माइल टोल्ड टू सुजाता, ये बात है जो सुजाता को इस्माइल ने कही है। फ्रॉम योर हाउस टू रीच द मिल्क बूथ, कि आप अपने घर से निकलो, ये सुजाता का हाउस है तो मिल्क बूथ तक पहुँचोगे। देन टेक अ लेफ्ट टर्न, फिर उसे लेफ्ट टर्न लेना है बराबर। फ्रॉम द सेकेंड क्रॉसिंग, ये वाला फर्स्ट क्रॉसिंग हुआ, ये वाला सेकेंड क्रॉसिंग हुआ। सेकेंड क्रॉसिंग टेक अ राइट टर्न एंड गो ओवर द ब्रिज, ब्रिज पर उसे चलना है। गो स्ट्रेट देन टेक अ फर्स्ट राइट टर्न, गो स्ट्रेट एंड टेक अ फर्स्ट राइट, राइट टर्न तो ऐसे नीचे आ जाएगा। टर्न आफ्टर अबाउट 100 मीटर यू विल सी अ बिग पार्क, तो हमें यहाँ कोई बिग पार्क नहीं दिखाया। वेन यू क्रॉस द पार्क यू विल कम टू साइड लेन, माई हाउस इज देन फर्स्ट हाउस इज दैट लेन। तो ये तो नहीं हुआ, इस्माइल ने कुछ गड़बड़ कर दी। डिड यू इस्माइल गो रॉन्ग समवेयर, कैन यू करेक्ट हिम, यस इस्माइल ने उसे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी थी तो कि नहीं, कहाँ पर गलत था इस्माइल। तो इस्माइल वेंट रोंग, इस्माइल रोंग था। क्यों क्यों रोंग था, तो आप कह सकते हो इस तरह कि ये मिल्क बूथ से निकली, आफ्टर ही शुड हैव टोल सुजाता टू टेक द फर्स्ट लेफ्ट टर्न इंस्टेड ऑफ द राइट टर्न। यहाँ पर उसने बराबर बताया, बट उसने उसे राइट टर्न कहा, उसके बदले उसे लेफ्ट टर्न बोलना चाहिए था ताकि ऊपर जाए बराबर, इसलिए वो रॉन्ग था। उसने राइट टर्न गलत कह दिया, उसकी जगह कौन सा टर्न लेना था चिल्ड्रन, लेफ्ट टर्न। सेकेंड क्वेश्चन, सो वेयर सुजाता विल रीच इफ सी टेक्स द रूट ही टोल्ड हर, अगर सुजाता कहाँ पहुँचती, इस्माइल ने जो रूट बताया उसे तो वो कहाँ पहुँचती, तो यहाँ से निकलती, मिल्क बूथ पर आती, फर्स्ट क्रॉसिंग क्रॉस करती, सेकेंड क्रॉसिंग, देन ओवर ब्रिज, देन राइट पर वो जाती तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में पहुँच जाती, इसलिए वो उसके घर नहीं पहुँच पाती। राइट द डिफरेंट डायरेक्शन फॉर द फॉर गोइंग फ्रॉम इस्माइल्स हाउस टू सुजाता'स हाउस, अभी हमें डायरेक्शन देनी है यहाँ पर। राइट द डायरेक्शन फॉर गोइंग फ्रॉम इस्माइल्स हाउस टू सुजाता'स हाउस, तो कैसे दे सकते हैं, द रिक्वायर्ड डायरेक्शन आर, हम लोग ऐसे कह सकते हैं द रिक्वायर्ड डायरेक्शन आर फ्रॉम इस्माइल्स हाउस, हम लोग इस्माइल के घर से स्टार्ट करते हैं। इन द फ्रॉम द हाउस इन द लेन कम टू द मेन रोड, यहाँ पर मेन रोड पर हम लोग आ जाते हैं। क्रॉस द पार्क एंड टेक द फर्स्ट राइट टर्न, क्रॉस द पार्क, पार्क को क्रॉस किया एंड देन राइट टर्न लिया। एंड गो ओवर द ब्रिज, गो ओवर द ब्रिज, देन टेक अ लेफ्ट टर्न टू गो स्ट्रेट, और लेफ्ट टर्न लिया हमने स्ट्रेट जाने के लिए। यहाँ पर हमने लेफ्ट टर्न लिया स्ट्रेट जाने के लिए, सॉरी चिल्ड्रन, यहाँ पर लेफ्ट टर्न लिया स्ट्रेट जाने के लिए, ओके। फ्रॉम द सेकेंड क्रॉसिंग टेक अ राइट टर्न, सेकेंड क्रॉसिंग पर आया फिर राइट टर्न लिया ऐसे, फिर मिल्क बूथ पर पहुँचे, लोकेट टर्न वेयर मिल्क बूथ इज लोकेटेड एंड गो स्ट्रेट टू द लेन, मिल्क बूथ पर पहुंचकर ऐसे सीधे आए लेन तक। इन द लेफ्ट साइड देर इज सुजाता'स हाउस, यहाँ लेफ्ट साइड पर सुजाता का हाउस है। गिबली एंड द बिग बॉस बराबर, गिबली एंड द बिग बॉक्स, गिबली एंड गिबली के बारे में हमने थर्ड स्टैंडर्ड में बहुत कुछ पढ़ा है। एंड गिबली एक बहुत ही क्लेवर एंड है और कुछ नए नए पजल्स ऑलवेज हमें
देती रहती है। डू यू रिमेम्बर गिबली द एंड इन द मैथ मैजिक बुक 3? आपको याद है थर्ड क्लास की बुक में हमने एंड गिबली के बारे में पढ़ा था? यस, ऑब्वियसली हमें याद ही होगा। वेल, वन डे गिबली शो अ बिग बॉक्स ऑन हर वे, इट लोकेटेड लाइक दिस। आप लोग देख सकते हो कि गिबली ने ऐसा बिग बॉक्स देखा रस्ते में कि जो उसके घर पर लोकेटेड था, घर के आसपास। गिबली मूव्ड अक्रॉस एंड टर्न लेफ्ट। पहले गिबली ने ये वाला देखा, फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया। गिबली मूव्ड अक्रॉस एंड टर्न लेफ्ट, नाउ सी कुड सी द ओवर फेस, अदर फेस ऑफ द बिग बॉक्स। उसने पहले 4 नंबर पर थी, फिर टर्न लिया तो 5 नंबर पर पहुंची। आप जो देख सकते हो 4 से 5, बराबर। गिबली वॉज कन्फ्यूज, वॉट वॉज दिस बॉक्स? गिबली को कन्फ्यूजन हुआ कि ये बॉक्स क्या है। सी क्लाइम ऑन द कप एंड ट्राई टू सी फ्रॉम देयर। कप पर चढ़ गई और देखने की कोशिश कर रही थी कि क्या था। द बॉक्स लुक लाइक दिस, बॉक्स है कुछ इस प्रकार दिख रहा था। कैन यू गेस वॉट द बॉक्स लाइक थिंग्स वॉज? क्यों इस तरह था? द नंबर ऑन द ऑपोजिट फेसिस ऑफ द बॉक्स एडेड अप टू 6। हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास जो ये डाइस है, किसका पिक्चर है? एक डाइस। कैन यू गेस वॉट दैट बॉक्स वॉज लाइक दिस? किस तरह ये बॉक्स हमें दिख रहा है, कौन सा है? तो कि डाइस, हम लोग स्नेक एंड लेडर्स खेलते हैं ना, तो उसका जो डाइस होता है ना वो है। द नंबर ऑन द ऑपोजिट फेसिस ऑफ द बॉक्स एड अप टू 17। अभी ये वाला है बॉक्स, उसके पीछे का नंबर होगा, वो दोनों का ऐड करोगे तो आंसर विल बी 7। तो यहाँ 4 है, तो 4 में यहाँ कौन सा नंबर होगा कि आंसर 7 आएगा? तो 3, 4 + 3 = 7 ऐसे करेंगे तो यहाँ आएगा 3 नंबर। देन इधर 5 है, तो 5 के इधर पीछे वाले में 5 में आप कौन सा नंबर ऐड करोगे तो आंसर विल बी 7 आएगा। 5 + 2 = 7, तो यहाँ पर होगा नंबर 2। फिर इधर 1 है, तो उसके नीचे 1 में आप कौन सा नंबर ऐड करोगे, आंसर इज 7। 6 + 1 = 7, तो हमें पता चल गया कि डाइस में कौन कौन से हो गए। तो इधर होगा नंबर, पीछे होगा नंबर 3, इधर होगा 6 एंड इधर होगा 2। क्लियर? विच नंबर वॉज ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ 5? तो अब हमें पता ही है कि 5 की ऑपोजिट साइड मतलब इधर आंसर 7 लेना है, तो इधर 5 है, तो इधर कौन सा नंबर होगा चिल्ड्रन? 2। तो आंसर आएगा इसका 2। क्लियर? इन पिक्चर विच नंबर विल बी एट द बॉटम? बॉटम मतलब यहाँ नीचे। तो हमने देखा ऊपर 1 है, तो 1 + 6 = 7, तो बॉटम में कौन सा नंबर होगा? 6। इधर आएगा आंसर 6। विच नंबर विल गिबली सी इफ सी अगेन टर्न्स लेफ्ट फ्रॉम 5? 5 से आए लेफ्ट लेगी तो कौन सा नंबर दिखेगा उसे, कौन सा नंबर दिखेगा चिल्ड्रन? 4 है इधर, तो 7 के लिए 4 + 3 = 7, तो यहाँ पर कौन सा नंबर है? 3। तो आप कह सकते हो कि इफ द गिबली सी अगेन टर्न्स लेफ्ट नंबर फ्रॉम 5 is 3. What will this box look like if you open it up? Mark the correct option. अभी ये वाला बॉक्स है, हम लोग ओपन कर दे तो कैसा दिखेगा? तो यहाँ पर नंबर कौन सा आएगा चिल्ड्रन? 3. 4 + 3 = 7. 1 + 6 = 7. 5 + 2 = 7. क्लियर चिल्ड्रन? तो कुछ इस तरह बॉक्स से वो हमारा खुलेगा, 3, 2, 6, 1, 4, 5। तो हमें ढूंढना है, नीचे ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा है? तो देखो 3, 2, 6, 1, 4, 5,
3142 नहीं होगा, नहीं होगा। कौन सा आंसर आएगा चिल्ड्रन? यस आंसर इज ए, आंसर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ट्राई आउट। ड्रॉ अ शेप लाइक दिस ऑन द थिक पेपर, कट इट आउट एंड कलर द डिफरेंट फेसेस ऑफ डिफरेंट कलर्स। कैन यू सी दिस बॉक्स टू प्ले अ गेम? आपने देखे ही है ना। यस वी सी दिस टाइप ऑफ डाइस इन स्नेक एंड लेडर्स, लूडो वगैरह हम लोग प्ले करते हैं, उसमें होता है। डाइस के 6 फेसेस होते हैं एंड 6 साइड होती है। क्लियर चिल्ड्रन? यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ओवर होता है एंड नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तब तक थैंक यू चिल्ड्रन एंड गुड बाय।